नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में बाबा संत महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए हैं। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है, तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकर्षित करते हैं, और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुलाब जामुन और समोसा खाने की सलाह देते हैं। खैर दोस्तों, ऐसे बाबा आज की डेट में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन एक जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोक कर लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है, ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं, तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है, और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं, या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है। पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी, और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है। क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं, या ये सब कुछ पाखंड है। आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसे में वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव घड़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं, और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था, और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई, जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या फिर नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द शत प्रतिशत सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में दोस्तों, होता यह है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और दोस्तों, ये कोई मन की बनाई गई बात नहीं है। दोस्तों, जिन सब की अर्जियां लगी हैं, उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि दोस्तों, मीडिया वालों को कहां लोगों की बात पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत से ऐसे मीडिया वाले भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए, तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़े सबके कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी सवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं, इसलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाएं। कई महिलाएं तो उनके इस खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो ये अपने गाँव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन दोस्तों, इसके अलावा ये दूसरे राज्यों और अन्य जिलों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये नौजवान जुगत माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं। दोस्तों, एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या
चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। वैसे बहुत ही कम लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बैक स्टोरी पता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी अपने दरबार सजाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था लेकिन उनके अंदर मौजूद दैवीय शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल थी, इसीलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे ये हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सूना हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार सजाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज के भक्ति करना चाहते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगी, वे लोगों की बातें पहचानने लगे और एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गईं और अपनी शक्तियों की वजह से गांव में रहने वाला एक साधारण बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है, वो खुद कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रम से संभव हो पाया है। 12 साल की छोटी सी उम्र में, जहां बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता सकते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और इस नियंत्रण जाप ने उनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया है कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है जिसका सच होना तय है। और इसीलिए एक या दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके दरबार में आया हुआ भक्त सच्चे मन से आया हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान का सहारा चुन लेते हैं और जब इनके दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है, ये दूर से ही उन्हें पहचान कर उनके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। बागेश्वर धाम का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदेलकालीन है और 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी दौरान ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़फूंक का भी काम करने लगे जो हर लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों, हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लोग अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन्स को खरीदते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर इस बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लाइन बहुत लंबी होती है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। इसीलिए दोस्तों, चाहे पुलिस हो या फिर मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है। लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इसके बारे में क्या कहना है, बागेश्वर धाम के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।